बड़वानी जिले के ग्राम बड़गांव में फिर विद्युत मंडल की लापरवाही देखने को मिली है। जहां एक माह से डीपी खराब है, बिजली है नहीं और डीपी ठीक करने के बाद भी बार बार खराब हो रही है, जिससे लोगों के उपकरण भी खराब होने लगे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि अभी हाल में ही डीपी बदल कर लगाई गई है, लेकिन फिर खराब हो गई और बार बार घरों में फ्यूज उड़ रहे हैं। एक या दो नहीं, करीब 30 खेतों से अधिक खेतों के किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस तरफ ध्यान नहीं है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या दिक्कत आ रही है डीपी को लेकर? यह डीपी की परेशानी बहुत है, किसान बहुत परेशान हो रहे कि लाइट नहीं अच्छी चल रही, बार बार फेस उड़ा रही। डीपी एक महीना बंद हो गई, बंद पड़ी तो और चेंज करा और दूसरी लाए, और ऐसी कैसी चल रही और फेस उड़ा देती, तो किसान कैसा करेगा खेती? बहुत परेशानी है, तो इनका कुछ ना कुछ करो। ये जाते जब भी कोई सुनवाई नहीं करते, बहुत अभी है कई 20-25 जन। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह कहाँ रहते हो? जी बड़गांव। राम सिंह क्या करते हो आप? खेत में करता। क्या दिक्कत आ रही है डीपी को लेकर? डीपी की देख, एक पुरानी डीपी थी तो उसको फिर भरवाने ले गया था, तो भराने वापस रखी, फिर और उजल गई, फिर और दूसरी डीपी दिया साहब ने, तो फिर और अभी इसको लाया तो ये भी फेस उड़ा रही ना, तब फेस बांधते तो तार 2-3 चक्कर उड़ा दी, तोड़ डाली तार। क्या दिक्कत आ रही है? अब पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी भी नहीं चल रहा है ना, कि खेत में अभी सीजन आ रही गेहूँ की, तो गेहूँ भी कसा बोई सका। कितने किसान परेशान है ऐसे ही? 25-30 है। क्या होना चाहिए इसको लेकर? इसके लिए व्यवस्था करानी चाहिए डीपी की। कब से बने ये डीपी? ये 20-21 महीने तक हो जाएगी, होगी 2 डीपी करते। 1 महीने से बंद पड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।